Welcome students, in this video lecture I'll be taking DNA, chromatin, chromatid and chromosomes. So what they mean and what is their structure, everything about these different types of nuclear materials. So we will start with DNA. Myself Dr. Rupali Patra. यहाँ हम लोग सबसे पहले DNA देख रहे हैं. You know what is DNA? DNA is deoxyribonucleic acid. तो ये जो DNA है ये कैसा रहता है? ये हमेशा हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है, ये इस तरह से. और अगर इसको ओपन करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा. हमें पता है ये जेनेटिक मटेरियल रहता है हर सेल का, और ये डबल हेलिकल रहता है. ये प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में, कुछ पार्ट्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट रहता है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ योर सेल. सो यू नो एवरीथिंग अबाउट DNA. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्रोमैटिन. सो अगर ये DNA का स्ट्रक्चर है, इफ़ दिस इज़ द DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड इट इज़ नेगेटिवली चार्ज because of the phosphate, the sugar phosphate backbone is present as you all know. So the phosphate makes it negatively, this acid is negatively charged. What is chromatin? This is nothing, just DNA plus histone proteins. DNA mein jaise hi histone proteins aate hain, we call it as क्रोमैटिन. अभी क्रोमैटिन बन गया. यहाँ देखिए, यहाँ DNA है और हिस्टोन प्रोटीन्स है. DNA जैसा कि मैंने अभी बताया कि दे आर निगेटिवली चार्ज एंड दिस हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. देर इज अनदर वीडियो डीलिंग विद दिस हिस्टोन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोसोम मॉडल इन थॉरो, यू कैन वॉच दिस दैट ऑल्सो. यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमैटिन के बारे में. तो क्रोमैटिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्वेरीज दैट व्हाट डू नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स डू. तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस क्रोमैटिन. नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो ये पिंक में मैंने दिखाया है, ये DNA, ये जो DNA और हिस्टोन का जो स्ट्रक्चर है इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है. दे आर ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड और ये क्रोमोसोम फॉर्मेशन में मदद करते हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस क्रोमैटिन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी नो दैट इन सेल साइकिल यू हैव इंटरफेस. इट इज़ डिवाइडेड इन G1, the synthetic phase, then you have G2 and the dividing phase. In dividing phase you have prophase, metaphase, anaphase and telophase. So this one is your interphase, this whole part is interphase and the rest of that is the dividing phase. नाउ से यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो DNA है, ये DNA कभी भी इस तरह से सिर्फ एज अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और सिर्फ आइसोलेटेड नहीं रहता. इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट विद दिस हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, हिस्टोन प्रोटीन्स. तो ये हमेशा क्रोमैटिन के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट रहता है सेल में. तो इंटरफेस में जितने भी आपने देखे G1S और G2, ये सब में कैसा प्रेजेंट रहेगा? एज अ क्रोमैटिन. इफ़ द सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग एंड इट इज़ गोइंग टू द G0 फेज. अगर सेल डिवाइड करता है तो वो G1S फेज और G2 में जाएगा. अगर वो डिवाइड नहीं करता है तो वो G0 फेज में रहता है. G0 फेज में वो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर में ही DNA वहाँ पाया जाता है. जैसे जैसे वो प्रो फेज में आएगा यहाँ कंडेंसेशन शुरुआत हो जाती है, और मेटा फेज में सबसे ज़्यादा ये जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है वो हमें मिलता है, वो कंडेंस्ड रहता है. तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि DNA जो है इट एग्जिस्ट इन two main different forms, the chromatin and chromosome. So in interphase it is in the form of chromatin, as well as in G0 phase it is present as a chromatin, and in division phase, specifically in the metaphase, it is present as a chromosome. तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ, ये जो क्रोमैटिन है और ये जो क्रोमोसोम है, ये
जो फॉर्म बन रहे हैं दैट इज़ ड्यू टू प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन। वी विल सी व्हाट इज़ कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन। ये देखिए, ये जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है आपका, इट विल कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम एंड द क्रोमोसोम इन टर्न विल डीकंडेंस टू फॉर्म द क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड द साइकिल गोज ऑन। जो भी सेल इंटर करता है सेल साइकिल और वो इंटरफेस से होकर डिवीजन फेज में जाता है, तो वो इस तरह का जो एक साइकिल है इट विल फॉलो दैट साइकिल। तो क्रोमैटिन, ये इंटरफेज में क्रोमैटिन है और ये धीरे धीरे कंडेंस करेगा, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। और ये कंडेंस करके क्या बना रहा है, मेटाफेज क्रोमोसोम। दिस मेटाफेज क्रोमोसोम इज अगेन डीकंडेंसिंग इटसेल्फ एंड इट इज़ फॉर्मिंग द इंटरफेज, जो कि इसके डॉटर सेल में जो इंटरफेज का क्रोमैटिन मटेरियल आता है वो बना देता है। दिस इज़ द होल कंसेप्ट अबाउट द साइकिल ऑफ कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन। इन इंटरफेज इट इज़ इन डीकंडेंस्ड फॉर्म और यहाँ फिर वो कंडेंसेशन शुरू होता है एंड इट फॉर्म्स द मेटाफेज क्रोमोसोम। नीन मेटाफेज, ये यहाँ से फिर डीकंडेंसेशन शुरू होता है एंड इट फॉर्म द इंटरफेज क्रोमैटिन। टू अंडरस्टैंड इट बेटर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं ऑफ योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नॉर्मली कैसे रहते हैं, क्रोमैटिन की तरह। और ये जो पूरा प्रोसेस रहता है आपकी स्टडी का, हर चीज़ जो आप लोग करते हैं थ्रू आउट योर सेमेस्टर, ये पूरा जो पढ़ाई आप पूरी जो आप पढ़ाई करते हैं, यू आर एज अ स्टूडेंट। बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस यू बिकम एग्जामिनी। आप चेंज हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड अप हो जाते हैं और आप बन जाते हैं एग्जामिनी। और उस वक्त आपका एक टर्म होता है और ये जो एग्जामिनी का जो आप रोल प्ले करते हैं, इट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ये आप 3 घंटे का एग्ज़ाम जब तक दे रहे हैं तब तक आप एग्जामिनी हैं। अगेन यू आर चेंजिंग टू द मोड ऑफ स्टूडेंट्स। सिमिलरली हेयर ऑल्सो द क्रोमोजोम्स is the chromosome and the chromatin formation is similar। यहाँ क्या हो रहा है कि ये preparation हो रही है और इस पूरे circle में जहाँ interphase है आपका और आपका G1 है, synthetic phase है, G2 है, ये जो chromatin material है, ये जो DNA है, ये chromatin material की तरह होता है। और जैसे ही यहाँ पर डिवीजन फेज आ जाता है, ये कॉइल अप करना शुरू हो जाता है और मेटाफेज में ये मेटाफेज क्रोमोसोम बना जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स ये पूरे प्रिपेयर टाइम करते हैं, पूरे सेमेस्टर ये अपनी पढ़ाई करते हैं और एग्जामिनेशन के बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ये एग्जामिनी कहलाए जाते हैं। सो यू कैन रिलेट द क्रोमोजोम एज एग्जामिनी एंड स्टूडेंट एज द क्रोमैटिन, क्योंकि नॉर्मल टाइम में स्टूडेंट्स क्रोमैटिन जैसे रिलैक्स्ड रहते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है वो इस तरह से, लेकिन जब एग्जाम आता है तो दे बिकम क्रोमोजोम। सिमिलरली द क्रोमैटिन चेंजेस टू द क्रोमोजोम एज द स्टूडेंट चेंजेस टू द एग्जामिनी। नाउ द DNA पैकेजिंग, इट इज़ अ वेरी टाइट पैकेजिंग और DNA बहुत ज़्यादा कॉइल्ड अप होता है और वो क्रोमोसोम बनाता है। नाउ सी, इट इज़ नॉट लाइक एनी DNA इन अ पेंसिल बॉक्स एंड द पेंसिल बॉक्स क्लोजेस, और ये इस तरह का कोई भी, ये इस तरह की कोई मॉडल नहीं है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि DNA थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जस्ट द वुल, और ये जो वुल का बॉल बना हुआ है इसमें कोई भी पैकिंग नहीं है, इस तरह की पैकिंग नहीं है कि किसी भी बॉक्स में हम डालकर उसको बंद कर देते, ये अपने आप में ही कॉइल अप है। तो सिमिलरली DNA इज ऑल्सो कॉइलिंग अप, ये किसी क्रोमोसोम नाम के किसी बक्से में भरा हुआ नहीं है, ये खुद में इतना ज़्यादा कॉइल्ड अप हो जाता है कि वो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ डिफरेंस ये है कि ये जो वुल, इट इज़ नॉट नीडेड एनी अदर मटेरियल, ये खुद में ही कॉइल्ड अप हो रहा है, लेकिन DNA को एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको कि हम लोग कहते हैं हिस्टोन्स। तो ये हिस्टोन्स जो आते हैं, ये जैसे ही इसमें जुड़ जाते हैं तो DNA की कॉइलिंग शुरू हो जाती है। सो नाउ यू नो दैट
दिस इज डीएनए, इट फॉर्म्स द न्यूक्लियोसोम मॉडल, दैट इज द मोनोमर ऑफ द क्रोमैटिन, और तीन स्टेजेस के थ्रू से ये एक क्रोमोसोम बनाता है. द फर्स्ट स्टेज इज द 100 एंस्ट्रॉम क्रोमैटिन फाइबर दैट इज प्रेजेंट इन इंटरफेस. द सेकेंड इज 300 एंस्ट्रॉम क्रोमैटिन फाइबर सोलेनॉइड. यू विल हैव अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस. एंड द थर्ड स्टेज एंड द फाइनल स्टेज इज द मेटाफेज क्रोमोसोम. सो हियर यू कैन सी दिस इज द डीएनए, इट हैज़ कॉइल्ड अप और ये बना रहा है. यहाँ पर 100 एंस्ट्रॉम का जो फाइव क्रोमैटिन फाइबर है, ये 300 एंस्ट्रॉम का जो क्रोमैटिन फाइबर जो सोलेनॉइड है, एंड फाइनली ये मेटाफेज क्रोमोसोम बना रहा है इस तरह से. तो ये कॉइलिंग अप हो रही है और ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो जा रहा है. तो नाउ यू नो व्हाट इज़ द डीएनए जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज़ क्रोमैटिन, डीएनए प्लस द हिस्टोन, द बेसिक और द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स अलॉन्ग विथ इट. सो इट इज़ मेकिंग द क्रोमैटिन. और देखिए इसकी जो इसका जो साइज़ है ये छोटा होता जा रहा है, क्योंकि डीएनए जो लंबा लेंथी एक ये था, एक थ्रेड जैसा था, नाउ इट इज़ कॉइलिंग अप एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ वेरी 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 स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. यू कैन जस्ट 85 मिलीमीटर, आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ 85 मिलीमीटर. 85 मिलीमीटर का जो डीएनए रहता है, ह्यूमन का सबसे लॉन्गेस्ट डीएनए है ये. और इट गेट्स इट फॉर्म्स 0.5 μ क्रोमोसोम. तो आप सोच सकते हैं कि 85 मिलीमीटर लगभग हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन ये जो क्रोमोसोम है 0.5 μ का, जिसमें कि ये चेंज हो जाता है, जिसमें कंडेंस हो जाता है, वो हमें माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत पड़ती है. तो इसकी फोल्डिंग लेबल क्या होगी, ये कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का फाइनली ये बना सकता है. नाउ वी आर डीलिंग विथ क्रोमैटिड्स. अब हम समझेंगे क्रोमैटिड्स. आप डीएनए समझ चुके हैं, क्रोमैटिन समझ चुके हैं, क्रोमोसोम्स भी समझ चुके हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स का कौन सा पार्ट क्रोमैटिड कहलाता है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड. ये डीएनए है, ये कॉम्पैक्ट होकर एक क्रोमोसोम बन रहा है. लेकिन यहाँ क्रोमोसोम के दो टाइप्स आप देख रहे हैं, एक ये है और एक ये. आप किसको क्रोमोसोम कहेंगे, ये दोनों ही क्रोमोसोम है. दिस क्रोमोसोम इज हैविंग टू सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दिस क्रोमोसोम इज हैविंग ओनली वन क्रोमैटिड. ये इस तरह का क्रोमोसोम जो है वो आपको मेटाफेज में मिलता है, और ये जो सिंगल क्रोमैटिड वाला जो क्रोमोसोम है ये आपको एनाफेज में मिलता है. इसको हम लोग और अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे. सी दिस इज योर क्रोमोसोम विथ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दिस इज योर क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड. तो डीएनए जो है, दिस इज योर डीएनए, ये डीएनए आपका प्रेजेंट रहता है एक क्रोमोसोम में. एक क्रोमोसोम में एक डीएनए प्रेजेंट रहेगा. अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो चेंजेस आ रहे हैं इंटरफेस से लेके मेटाफेज में. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो इंटरफेस है, दिस इज योर जी1 एंड इन जी1 यू हैव अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. यू हैव अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बट हाउ इट अपीयर्स, इट अपीयर्स लाइक अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर. और जो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में हमें कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. इस तरह से जितने भी उस सेल में क्रोमोसोम्स है वो एक बहुत ही डीपली स्टेन्ड सा न्यूक्लियस बना देते हैं, क्योंकि इंटरफेस में न्यूक्लियस जो रहता है वो प्रोमिनेंट रहता है और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं होते. अब सिंथेटिक फेज में क्या होता है कि सिंथेटिक फेज वो फेज है जहाँ ये जो आपका डीएनए है, दिस इज़ डबल हेलिक्स एंड दिस इज़ डबल हेलिक्स, इट इज़ गोइंग टू रेप्लीकेट. और रेप्लीकेशन में क्या होता है कि एक एक जो आपके ये है वो फिर से, मान लीजिए ये आपका एक डीएनए है, दिस इज़ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. अब रेप्लीकेशन भी क्या होगा कि एग्जैक्टली जैसा ये स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली एक और वैसा ही डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा. लेकिन
ये सिंथेटिक फेस में जो बन रहा है ये एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। दैट्स वाई ये जो स्ट्रक्चर है ये साथ साथ ही चलते हैं। यहाँ सिंथेटिक फेज में क्या हो रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, इसको डुप्लीकेशन भी हम लोग कह सकते हैं। और ये जो डीएनए है, नाउ देयर आर टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। सो जितना भी अमाउंट रहता है डीएनए का, मान लीजिए ये 2n है, सो नाउ इट हैज़ बिकम 4n। वी विल सी इट हियर। अब यहाँ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, यहाँ पर ये जो डीएनए है सिंथेटिक फेज में ये रेप्लिकेट कर जा रहा है, और अब ये दो रेप्लिकेशन के बाद अब ये दो डीएनए बना रहा है। लेकिन हाउ इट अपीयर्स, ये फिर से वैसा ही है, क्योंकि ये सिंथेटिक फेज इंटरफेज में आता है और फिर से हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर ही है। अब प्रोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज में ये जो स्ट्रक्चर है ये और ज़्यादा कॉइल्ड अप होता है, लेकिन अब इसके पास कितने डीएनएज हैं, अब एक एक पर क्रोमोसोम के, एक क्रोमोसोम के पास सबके पास दो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्योंकि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ जो सिंथेटिक फेज के रेप्लिकेशन फेज में था ये ऑलरेडी बन चुके हैं। तो जैसे ही ये बन जाते हैं तो अब प्रोफेज से हमारे पास जो डीएनए कंटेंट है वो भी 4n है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2n था। जैसे ही सिंथेटिक फेज में रेप्लिकेशन हुआ, अब ये जो हमारा डीएनए कंटेंट है वो भी हमारे पास बढ़ गया है, और ये हमारे पास हर क्रोमोसोम में दो दो हमारे क्रोमैटिड्स हो गए। लेकिन ये देखने की बात है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ही रहेगा। यहाँ हम इस चीज़ को एक क्रोमोसोम मान रहे हैं, अगर हम इसको एक क्रोमोसोम मान रहे हैं, यहाँ भी हम एक ही क्रोमोसोम मानेंगे, पर इसके दो क्रोमैटिड्स हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्योंकि ये अभी भी सेंट्रोमेयर से आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इनको दो क्रोमोसोम्स नहीं कह सकते। तो जो डीएनए कंटेंट है वो ज़रूर डबल हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं, क्रोमैटिड्स नंबर चेंज हो गए हैं। अगर 16 थे तो अब 32 क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स अभी भी 16 ही हैं। अब ये और ज़्यादा कंडेंस हो रहा है मेटाफेज में, लेकिन प्रोफेज में जो कंडेंसेशन था वो बहुत ज़्यादा विजिबल अच्छा नहीं था, क्योंकि प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बस डिजॉल्व होने को स्टार्ट होता है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड, एंड इन मेटाफेज देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो इन न्यू द ऑल द क्रोमोसोम्स आर नाउ इन द साइटोप्लाज्म, एंड वी कैन ईजली सी ऑल द वेरी क्लियर एंड वेरी कॉइल्ड अप एंड अ डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो वर्ड है वो हम मेटाफेज के लिए ही यूज़ करते हैं, और मेटाफेज में ही हम लोग उसको मानते हैं कि ये क्रोमोसोम बना है। नाउ अगेन यू सी, इफ़ वी हैव स्टार्टेड विथ 16 क्रोमोसोम्स, मान लीजिए हम लोग 16 क्रोमोसोम्स से स्टार्ट कर रहे थे, और हमारे पास जो न्यूक्लियर कंटेंट था वो 2n था, आफ्टर ये बिफोर सिंथेटिक फेज था। जैसे ही सिंथेटिक फेज में रेप्लिकेशन हुआ, अब हमारे पास 16 क्रोमोसोम्स हैं और 4n है, ये जो डीएनए अमाउंट है ये जस्ट डबल हो गया। क्रोमोसोम 16 है लेकिन क्रोमैटिड्स हमारे पास कितने हैं, 32। अब इन क्रोमैटिड के साथ ये G2 में जाएगा और इट विल इंटर द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अगर ये माइटोसिस की हम लोग बात कर रहे हैं तो माइटोसिस में इस तरह से, अब ये जो 32 क्रोमैटिड्स हैं, ये 32 क्रोमा, पहले आपको जो क्रोमोसोम्स मिल रहे थे वो ऐसे थे, अब ये क्रोमोसोम्स हमारे पास सिंथेटिक फेज के बाद जो हमारे क्रोमोसोम्स रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, लेकिन मेटाफेज तक ये दिखाई नहीं देते। मेटाफेज में इनका ट्रू स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि ये इस तरह से है, प्रोफेज में भी वो थोड़े लेंथे रहते हैं, और एनाफेज में ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 32 क्रोमैटिड्स हैं, जो कि हमारे यहाँ पर 16 क्रोमैटिड्स थे, लेकिन 16 क्रोमोसोम्स हमारे यहाँ पर है। यहाँ
मेटाफेज में हमारे पास 32 क्रोमैटिड्स हैं। एक जो आपका क्रोमोसोम है उसका एक और पार्ट है जो कि सिस्टर क्रोमैटिड कहलाता है, और एग्जैक्टली ये एकदम सेम है, और इसमें एक डीएनए है और इसमें भी एक डीएनए है। एक क्रोमोसोम में, एक क्रोमैटिड में हमेशा एक डीएनए रहता है। यहाँ क्योंकि दो क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए, तो यहाँ दो डीएनए आपस में जुड़े हुए जो कि एनाफेज में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब इन दोनों क्रोमैटिड्स को, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम रहते हैं, बिकॉज दे आर द रेप्लिकेटेड पार्ट। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जैसा पहला रहता है वैसा ही सेम टू सेम दूसरा भी फॉर्म होता है। तो इसलिए ये दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो बिल्कुल सेम है इन स्ट्रक्चर, ये इन लेंथ जो भी हम लोग मेज़र कर रहे हैं, लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म, द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर, एज वेल एज द जीन्स प्रेजेंट। जो जीन यहाँ प्रेजेंट है उसके जो एलील यहाँ प्रेजेंट है, मान लीजिए ये टॉल का एलील है तो ये भी टॉल का ही एलील होगा यहाँ पर। मान लीजिए ये ग्रीन कलर ऑफ़ द लीव्स, तो ये भी ग्रीन कलर ऑफ़ द लीव्स ही होगा, इसीलिए हम लोग इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। अब क्या होता है कि एनाफेज में ये जो डिविजन है ये मेटाफेज में इस तरह से रहेंगे, एनाफेज में ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये अलग हो जाते हैं, और जैसे ही ये अलग हो जाते हैं हम इनको कहते हैं कि दीज आर द क्रोमोसोम्स। सो नाउ वी हैव 32 क्रोमोसोम्स। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, 16 क्रोमोसोम्स से, और सिंथेटिक फेज में हमें 16 क्रोमोसोम्स और 32 क्रोमैटिड्स मिले। अब यहाँ हमें 32 क्रोमैटिड्स हैं और 16 क्रोमोसोम हैं, लेकिन जैसे ही मेटाफेज के बाद एनाफेज में ये अलग हो जाते हैं वैसे ही दे बिकम 32 क्रोमोसोम्स। नाउ दे आर नॉट कॉल्ड एज क्रोमैटिड्स। तो एक क्रोमोसोम्स के पास अब एक डीएनए है, और ये जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल डॉटर सेल में इक्वेशनल डिवीजन करेंगे विथ ईच 16 क्रोमोसोम्स। तो ये जो आपका 16 क्रोमोसोम है वो मैच कर गया, अब वो वैसा ही रहेगा। इन केस इट इज़ मियोसिस, तो यहाँ 32 क्रोमैटिड्स हैं, यहाँ आपके 32 क्रोमैटिड्स हैं, और मियोसिस में हमें पता है कि आफ्टर द डिवीजन इज कंप्लीटेड वी हैव 4 हैप्लोइड सेल्स। तो ये 32 क्रोमैटिड्स अब 32 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं एनाफेज में, और एनाफेज के बाद जब ये डिवाइड करते हैं तो ये 8 क्रोमोसोम्स ईच देते हैं। अब हमने शुरू किया था 16 से और हमारे पास 8 है, तो ये हमारे पास हैप्लॉयड नंबर ऑफ 4 गैमेट्स या 4 सेल्स हैं, और ये हमारे पास डिप्लॉयड है। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में ही ये क्लियर है, आई थिंक, कि अब आपको क्रोमोसोम और क्रोमैटिड्स के जो डिफरेंस है वो समझ में आ गए होंगे। क्रोमैटिड्स आर नथिंग बट पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, वो पार्ट जो कि अलग नहीं हुए हैं। जब वो अलग हो जाते हैं तब उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर सेंट्रोमेयर से अगर आपके दो इस तरह से रेप्लिकेशन के बाद जो जुड़े हुए रहते हैं वी कॉल देम एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो दिस आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड यू हैव द कंसेप्ट ऑफ क्रोमैटिड्स। नाउ जो क्रोमैटिन हम पढ़ रहे थे उस क्रोमैटिन के दो टाइप्स रहते हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। वी विल स्टडी देम, एंड जो यूक्रोमैटिन रहता है वी विल स्टडी देम इन डिटेल। तो क्रोमैटिन का वो पार्ट, क्रोमैटिन यू नो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्लस द हिस्टोन मॉलिक्यूल्स एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटरफेस। तो क्रोमैटिन का वो पार्ट जो कि ट्रू हो, यू मीन्स ट्रू, ट्रू का मतलब हुआ कि अब ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, जैसा क्रोमैटिन को होना चाहिए वो वही है। तो इट विल अंडरगो रेप्लिकेशन, इट विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो मेन ये जेनेटिकली एक्टिव है,
जेनेटिकली एक्टिव हम लोग उसी पार्ट को कहते हैं दैट आर मेकिंग प्रोटीन्स. इफ एनी पार्ट ऑफ द डीएनए इज मेकिंग प्रोटीन दैन इट मीन्स दैट इट इज़ जेनेटिकली एक्टिव. जीन का भी डेफिनेशन यही होता है कि जो पार्ट द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए. तो यहाँ ये जेनेटिकली एक्टिव है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ यूक्रोमैटिन. नाउ द यूक्रोमैटिन फॉलोज अ रेगुलर कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन प्रोसेस. यूक्रोमैटिन बहुत ही लाइट स्टेन्ड होगा जब ये इंटरफेस में होगा, बहुत ही अनकॉइल्ड होगा, डीकॉइल्ड होगा इंटरफेस में. और जैसे ही ये मेटाफेस क्रोमोसोम बनाएगा तो इसके जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाएंगे. इट विल बी अंडरगो अ कंडेंसेशन अगेन. वाइल फॉर्मेशन ऑफ द इंटरफेस इट विल अगेन डीकंडेंस. तो इट विल फॉलो अ रेगुलर साइकिल ऑफ कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन व्हाट वी हैव स्टडीड इन अर्लियर. यहाँ हेट्रोक्रोमैटिन वो पोर्शन रहता है जो कि हाईली कंडेंस्ड है और जेनेटिकली इनएक्टिव है. अभी हमने देखा कि जेनेटिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब इट इज़ नॉट अंडरगो गोइंग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. तो इससे कोई भी प्रोटीन्स हमें नहीं मिल रहे हैं, इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी ऑफ द प्रोटीन्स, दैट्स वाई इट इज़ जेनेटिकली इनएक्टिव. दीज पार्ट्स आर वेरी मच कंडेंस्ड एंड दे आर रेप्लिकेटेड लेटर इन द फेस. सारे यूक्रोमैटिन जो पार्ट रहते हैं वो सारे रेप्लिकेटेड हो जाते हैं, रेप्लिकेशन उनकी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एंड देन दीज पार्ट्स आर रेप्लिकेटेड. नेक्स्ट दे डोंट फॉलो द रेगुलर पैटर्न ऑफ कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन एंड कंडेंसेशन. यहाँ इंटरफेस में इनको डिकंडेंस होना है और यहाँ मेटाफेस क्रोमोसोम में इनको कंडेंस होना है, बट दे रिमेन कंडेंस्ड थ्रू आउट द साइकिल. हेयर ऑल्सो दे आर कंडेंस्ड इन कंडेंस्ड फेस एंड इन इंटरफेस वेयर दे हैव टू बी डिकंडेंस्ड दे आर नॉट डिकंडेंसिंग देमसेल्फ एंड इन इंटरफेस ऑल्सो दे आर इन वेरी मच कंडेंस्ड फेस. दिस इज द ऑल अबाउट क्रोमैटिन, टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन. प्लीज see this video also. It is on working of solenoid model and nucleosome model and packaging of DNA. So go through this video also, and thank you so much.